तो चलो देखते हैं कौन सा फोन लेता है भाई जी आज। सोचा अभी तक कुछ? भाई जाके देखते हैं। अरे वाह, फिर मैंने इसका प्राइस देखा, फिर मेरी थोड़ी सी फटी पर मैंने ले ही लिया। So hey guys, this is Sanjay Chauhan. कैसे हो आप सब? Welcome back to another vlog. भाई अब मेरे को फील होने लग गया है कि हिमाचल में गर्मियां आ गई है, कुल्लू में तो आ गई है गर्मियां। अभी एक हफ्ते पहले तक मैं एक टी शर्ट में घूम ही नहीं पाता था, इतनी ठंड लगती थी। बट अब एक टी शर्ट के बाहर अगर दिन के टाइम में कुछ पहन लू ना मैं, फिर बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो अभी ऐसा है कि मम्मी जी मेरे को कॉल किए जा रहे हैं कि जल्दी आ, मैंने खाना निकाल रखा है तेरे लिए, खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा और मैं गर्म करके नहीं दूंगी तेरे को। और उन्होंने मेरे को ढीठ भी बोला क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था तब से। तो चलो चलते हैं, वरना हम बहुत ज्यादा डांट सुनेंगे। सुबह सुबह डांट सुन के ना पूरा दिन खराब जाता है। तो आज कुछ मौसम इस तरह का है, अभी तक तो धूप थी, जैसे ही मैं बाहर आया ना धूप ही चली गई। हमेशा इस स्पीकर को ले जाके ना मैं हॉल में रखता हूँ, पता नहीं बाहर क्यों ले आते हैं पापा इसको बार बार। ये गाइस, हमारे होम स्टे में कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने पिछले कल यहाँ पे ड्रिंक करी होगी, बोतल्स यहीं पे छोड़ दी। चलो जो भी है, रात को बारिश हुई थी क्या? कुर्सियों में बारिश है, मेरे को तो पता नहीं लगा पिछले कल रात को बारिश हुई है। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे बॉन फायर करते हैं ना गेस्ट, या तो यहाँ पे करते हैं या तो उस जगह करते हैं, तो इन दोनों जगह ना एक एक डस्टबिन लगाने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज, ये है अपना बाइक, ठीक है, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। 2022 का मॉडल है मीटियोर 350, 8000 के करीब चला है ये, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो अगर किसी को भी बाय करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम संजय चौहान धवन है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डीएम करना जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी इसे खरीदने में। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है ना उनको मैं बता दूं, ये मेरा होम स्टे है, पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होम स्टे इसका नाम है। चारों ओर मतलब ब्यूटी से घिरा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में हमने बनाया है ये, तो बहुत अच्छी लोकेशन में है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आसपास घूमने के लिए जो कि मैं रेगुलरली अपने ब्लॉग्स में दिखाता रहता हूँ। तो जो कोई भी बुकिंग करना चाहते हो होम स्टे में भी, नंबर दे दूंगा एक जिसमें आप डिटेल्स एक्वायर कर सकते हो बुकिंग्स की। भाई जी बहुत समझदार है यार, मैं भी सोच रहा था ले जाऊं इसको अंदर, बाहर था ऐसे ही पड़ा, पर फिर सोचा मैंने सिर्फ वो कष्ट कौन करेगा। नहीं नहीं यार, ये क्या हो गया इसको? क्या हो गया? कॉफी पता नहीं कैसी हो गई। अरे कॉफी तो ठीक है, पर भाई कॉफी देखिए मैंने बहुत, ये कॉफी पता नहीं क्या हो गया इसको। ये कॉफी फट गई भाई जी। चलो गाइस, पराठा है, ये पुदीने की चटनी है, ये खा लिया भाई खाना हमने। अब आज का प्लान बताता हूँ आप लोगों को। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि भाई जी ने मेरे को बताया कि उसको आज लेना है एक फोन, तो फोन लेने के लिए हम जाएंगे कुल्लू। कुल्लू में एक शॉप है जहाँ से हम अक्सर फोन्स लिया करते हैं, तो वहीं जाना है भाई जी ने, तो फिर मैं अभी भाई जी के साथ जा रहा हूँ। खुश तो बहुत होंगे तुम आज? खुश क्या होना, तो चलो देखते हैं कौन सा फोन लेता है भाई जी आज। सोचा अभी तक कुछ? वहीं जाके देखते हैं। चलो फिर गाइस तैयार होके मिलते हैं आप लोगों से। माँ यहाँ देखो क्या हो गया। क्या हुआ? ये डालो उस बैग में। अच्छा चोर के खा। काम करवाने के लिए ठगके बुलाता है मेरे को। आज गया ना? ओए आज गया दो है। चलिए गाइस चलते हैं। ये वाला बैग क्यों दिया? दूसरा बैग नहीं है? दूसरा बैग इसके अंदर डाला एक बैग है क्या? ये क्या बैग के अंदर बैग डाला? ऐसे क्यों? सामान है नीचे कपड़े भी लाने को। तो एक की बैग दो ना वो वाला। बहुत सामान है, बहुत सामान है। पावर बैंक लेना आज। ले ले। वो जा निकल बाहर। आराम से जाऊंगा मम्मी जी, मेरे को भेजने की जल्दी क्यों लगी होती है आपको? ठीक है बाबू जी मिलते हैं वेरी सून। ठग दिया तूने? देखो गाइस मम्मी जी झूठ झूठ बोल रहे हैं मेरे को। झूठ क्यों बोला आपने मेरे को? फिर मेरे को भेजने की जल्दी होती है आपको लगी है ना? है ना? तूने ठगा था ना मेरे को? ठग के बुलाया था। वारो ये लोहे की पाइप है आगे से, लोहे की इससे क्यों मार रहे हैं आप? मौसम देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है गाइस, मौसम इज टू ऑसम टुडे। दोस्तों अभी बात ऐसी है कि अभी 10 किलोमीटर तक मैं और भाई जी जाएंगे बाइक में, फिर वहां से आगे मेरा दोस्त अंकुश उसकी गाड़ी में जाएंगे हम कुल्लू तक। अपनी गाड़ी हम इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि पापा जा रहे हैं कल एक जरूरी काम करने, वो क्या काम है वो मैं कल ही बताऊंगा आपको। तो एक बहुत जरूरी काम है वो पूरा करना है पापा ने, इसलिए गाड़ी उनके पास ही छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है मिलते हैं कल परसों तक। कहाँ जा रहे हैं आप?
मैं जा रहा हूँ भाई जी के साथ कुल्लू। अच्छा ठीक है, आज रहूंगा कल आऊंगा। ठीक है ओके। मेरे दादू साहब बहुत चिल आदमी है। सबसे पहले गाइस इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो ये रही हमारे तेल की बोतल। अब देखो कैसे गोल घुमाई है भाई ने, एकदम प्रेशर में नीचे जा रहा है। अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है भाई। एक बंदा पीता है वो बियर इस तरह, वो डालता है मुंह में बियर ना, फिर घुमाता है उसको गोल, वो सारी गटक लेता है एक ही बार में। एक्सपीरियंस होते वो भी रखेंगे इसको। ठीक है भाई भाई, इस पिछला वाला जो आपने ब्लॉग देखा था ना, उस ब्लॉग में मतलब क्या ही बताऊँ आपको, जिस टाइम हम वापस आ रहे थे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया ना, तो मैं शूट नहीं कर पाया। पर ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी फंस गई, फिर मतलब एक दो घंटा हमने बहुत मेहनत की उसको निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकली। फिर चार पांच बंदे आए गाँव के वहीं के, फिर उन्होंने धक्का धुक्का मारा, तब जाके हमारी गाड़ी निकली और हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे। तो मतलब अभी तक मेरे बाजू में दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने धक्का देते हुए बहुत जोर लगा दिया था ना भाई, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी वहाँ पे। तो अगली बार मैंने ढांढ ली है कि कभी भी कच्चे रोड में नहीं जाऊँगा मैं। अब रोड हो तो ऐसा ही हो जैसा यहाँ पे है, ऐसे रोड पे चल पड़ेंगे, बट मिट्टी के रोड पे नहीं चलेंगे कभी। क्यों भाई जी? हाँ रिस्की नहीं होना चाहिए, जैसे पिछले लेवल वाला था उसमें नहीं आगे ले जानी कभी गाड़ी। ओए तो गाइस ये मेरे दोस्त का घर है, यहाँ पे लगाएंगे हम अपना बाइक, मतलब बाइक को यहीं पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी अंकुश आएगा मेरा दूसरा दोस्त, उसकी गाड़ी में जाएंगे हम यहाँ से आगे। तो थोड़ी देर हम यहीं पे वेट करेंगे। और छोड़े ठीक है तू? बढ़िया मजे में है ना? अपने दोस्त के साथ जाएंगे यहाँ से कुल्लू तक। ये भी कुल्लू जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको मेरे ऊपर यकीन है ना, मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता गाइस। चलो चलते हैं, शाम के टाइम पहुंचे हम यहाँ यार। स्माइल कर दे फिदा हो जाएगी बंदी, फिदा है तेरे ऊपर पैसे भी आ रहा है। गाइस भाई जी बोल रहा है मेरे को अनबॉक्स करने के लिए। मैं भाई जी की अनबॉक्स करने की फीलिंग खराब नहीं करना चाहता ना। सुन इसका हाफ खोलता हूँ मैं ना, वो जो रील होती है वो खोली तू। ये देखो 15A iPhone 15। यहाँ से आगे टेक ओवर करेंगे भाई जी। अरे वाह बड़ा शाइन मार रहे हैं वहाँ पे। ले जाए गार्ड लगाएंगे फोन पे। दोस्तों एक चीज लगे आता हूँ मैंने भी ले ली है यहाँ, जो कि है ये आप देख सकते हैं एक पावर बैंक है। ब्लॉग्स बनाता हूँ ना तो मेरे को इसकी बहुत जरूरत पड़ रही थी, बैटरी खत्म हो जाती थी। पर फिर मैंने इसका प्राइस देखा, फिर मेरी थोड़ी सी फटी, पर मैंने ले ही लिया। तो गाइस फाइनली फुली सेट हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो तो अभी जा रहे हैं दोस्तों हम भाई जी की फोन लेने की खुशी में पार्टी करने के लिए। तो अब मैं इस ब्लॉग दिखा नहीं सकते इसका, वो पार्टी में इस ब्लॉग में दिखा नहीं सकता। तो अगले ब्लॉग में मिलूंगा आपसे। अब टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।